मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। पंकज मिश्रा पर टेंडर मैनेज करने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप है। बता दें 8 जुलाई 2022 को छापेमारी के बाद रांची स्थित ईडी में पंकज मिश्रा को हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। इसी के तहत मंगलवार सुबह वो ईडी ऑफिस पहुंचे थे, जहां घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोरोना जांच के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, फिर वहां से कोतवाली थाने में ले जाया गया। बता दें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का झारखंड के संथाल क्षेत्र में काफी दबदबा माना जाता है। कहा जाता है कि उनकी मर्जी के बिना संथाल इलाके में कोई भी कारोबारी धंधा नहीं कर सकता। अवैध खनन करने वाले भी पंकज मिश्रा के ही दरबार में हाजिरी लगाते थे। झारखंड की भ्रष्ट आईएएस पूजा सिंगल की गिरफ्तारी के बाद से ही पंकज मिश्रा ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर आए हुए थे। पूजा सिंगल मामले में अब जिला खनन अधिकारियों से पूछताछ होने लगी तो हर किसी की जुबान पर पंकज मिश्रा और पूजा सिंघल का ही नाम था। अब पंकज मिश्रा होटवार जेल पहुंच गया है, जहां पहले से ही पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार मौजूद है। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का नाम उछला था। ईडी ने संथाल में लंबे समय तक कैंप किया और जिसके बाद अवैध खनन का पूरा अर्थशास्त्र खंगाल दिया। इसके बाद 8 जुलाई को ईडी ने पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के यहाँ 18 ठिकानों पर छापा मार दिया। हालांकि इस दौरान पंकज मिश्रा राज्य से बाहर थे, इस कारण उन्हें ईडी ऑफिस बुलाया गया था। इस दौरान ईडी ने 10 करोड़ से ज्यादा कैश और अन्य अकाउंटों में 40 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की थी। 8 जुलाई को छापेमारी के बाद ईडी ने पंकज मिश्रा को सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए 15 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया था, लेकिन बीमार होने का कारण देकर उन्होंने समय बढ़ाने की मांग की थी। आखिरकार मंगलवार को पंकज मिश्रा ईडी के दफ्तर में पेश हुए और लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।